Hey everyone, welcome to Rewind Stars. आज हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड फिटेस्ट एक्टर सुनील शेट्टी की जर्नी के बारे में. एवोल्यूशन ऑफ सुनील शेट्टी. गाय सुनील शेट्टी सर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में दिव्या भारती मैम के साथ आई एक एक्शन फिल्म बलवान से की थी. ए भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ए, किस पिट्टी के बच्चे ने आवाज दी रे? कौन है रे साला? मैंने उठ यहां से. साला छक्का कहीं का रुक, तेरे को बता दे. और ये इकलौती फिल्म है जिसमें दिव्या भारती और सुनील शेट्टी साथ में नजर आए. अब दे दिया तो दे दिया यार. ए अर्जुन, मेरे इस दिल के टुकड़े को संभाल के रखोगे ना? इस दिल विल के चक्कर में मैं नहीं पड़ता बाबा. नंबर 14, नंबर 14. सर, मैं 14. इस फिल्म के रिगार्डिंग एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी जब दीपक तिजोरी ने यह क्लेम किया कि पहले वो इस फिल्म में लीड रोल करने वाले थे, बट सुनील शेट्टी ने पैसे देकर उन्हें इस फिल्म से निकलवा दिया और खुद हीरो बन गए. और जब ये बात सुनील सर को पता चली तो उन्होंने इन एलिगेशंस को डिनाई करते हुए दीपक तिजोरी को चैलेंज किया कि ये बात उनके सामने आके कहें. मोर ओवर, इस फिल्म की रिलीज से पहले सुनील शेट्टी और फोटोग्राफर जेपी सिंगल काफी अच्छे दोस्त थे. इनफैक्ट उन्होंने ही बलवान फिल्म की पिक्चर्स क्लिक की थी. फिर एक दिन जब अनिल कपूर बोनी कपूर के साथ रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म की पिक्चर्स के लिए जेपी सिंगल के स्टूडियो पहुंचे तो अनिल कपूर ने वहां सुनील शेट्टी की फोटो देखकर कहा कि आजकल तो कोई भी एक्टर बन जाता है, कोई भी लोकल रेसलर फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेता है. और जब ये बात सुनील सर को पता चली तो उन्हें काफी गुस्सा आया और उन्होंने अनिल कपूर से पूछा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बट अनिल कपूर ने डिनाई करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई भी कमेंट नहीं किया था. खैर, सुनील शेट्टी की ये पहली फिल्म 1.56 CR के अगेंस्ट 3.50 CR के ग्रॉस कलेक्शन करके सेमी हिट रही. माँ तू कसम देती है तो मैं नीचे आ जाता हूँ, मगर मुकेश की माँ को कुछ हो गया ना तो क्या तू जिंदगी भर सर उठा सकेगी? एंड फिर अगले ही साल 1993 में सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार ने पहली बार साथ में काम किया एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म वक्त हमारा है में. सिगरेट पीते हो? नहीं. ये लो पियो. मैं नहीं पीता. बोला ना सिगरेट पी. सीनियर के सामने सिगरेट पीता है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं. नाम है शहंशाह. सुनील शेट्टी और सैफ अली खान की साथ में एक एक्शन ड्रामा फिल्म पहचान. तू इस गटर से नहीं निकलना चाहती है ना? तो मत निकल, मगर फिर कभी अपनी जान लेने की कोशिश मत करना. तू जाना चाहती है ना? जा, गो, गो लोएल. बाय. राखी दागों का नाम नहीं होता योगी, राखी एक सौगंध होती है जिसे ना कोई चाकू काट सकता है और ना ही कोई योगी तोड़ सकता है. उठ करण, इस हरामजादे से हमें अपने माँ बाप और बहन का इंतकाम लेना है. चलो. ये फिल्म भी एवरेज रही जिसने 1.85 CR के अगेंस्ट 2.68 CR की नेट कलेक्शन की. फिर ईयर 1994 सुनील शेट्टी सर के लिए काफी सक्सेसफुल रहा. उस साल उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई और पहली थी अजय देवगन और रवीना टंडन के साथ आई एक सुपरहिट रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले. दिलवाले तो बहुत देखे लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा. कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार. मैं तुझे फिर कोर्ट ले जाऊंगा. मैं फिर छूट जाऊंगा. मैं तुझे फिर गिरफ्तार करूंगा. अरे बस कर भाई. इस फिल्म के लिए सुनील शेट्टी सर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला. तो कहो ना, आपने किया नहीं करवाया है? हवेली पे आ जाना. क्या है हवेली पे? हवेली पे आ जाना. क्या करना है हवेली पे? हवेली पे आ जाना. हे, क्या करना है हवेली पे? अबे चाट साले चुड़ के बड़वे. अरे क्या मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार. माय बॉय, वर्दी गई तो क्या करोगे इसके खिलाफ? माय डियर बॉय, मांग दो ना माफी. सॉरी, मैं सुना नहीं. क्या आप सॉरी?
जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूँ, जोर से बोल। महेश दल्ले। 2 करोड़ 10 लाख के अगेंस्ट इस फिल्म ने 12 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद एक एक्शन फिल्म अंत भी हिट रही। सोमी अली के साथ ही सुनील शेट्टी की ये फिल्म पहले अक्षय कुमार सर को ऑफर की गई थी, बट ड्यू टू लैक ऑफ डेट्स उन्होंने ये फिल्म साइन नहीं की। वैसे भी 1994 में तो अक्षय सर की 11 फिल्में रिलीज हुई थी। 1.65 सीआर में बनी इस फिल्म ने 7.20 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर आई सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की साथ में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मोहरा। बाय द वे ये पहली फिल्म थी जिसमें अक्षय, सुनील और परेश रावल तीनों एक साथ नजर आए, एंड नसीरुद्दीन शाह पक्का अपना कोई खास खतरनाक और कड़क हथियार सुनील शेट्टी के हाथों में देना चाहते थे। तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूँ। हाँ विशाल, तुम्हें ही अपने हाथों में लेना होगा, क्योंकि मेरा मन कहता है कि यही है वो हाथ। लेकिन जिंदाल साहब, विशाल, विशाल, मुझे गलत मत समझ, मैं तुमसे जो करवाना चाह रहा हूँ। ना गजरे की हार, ना मोतियों के हार। 3.75 सीआर में बनी ये फिल्म 22.65 सीआर की कलेक्शन करके 1994 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। इसके बाद एक एक्शन कॉमेडी फिल्म गोपी किशन में सुनील शेट्टी सर ने डुअल रोल प्ले किया। ये लड़की मेरे सामने, मेरा दिल लिए जाए जाए। 1990 में आई तमिल फिल्म के इस हिंदी रीमेक के सॉन्ग्स भी काफी पॉपुलर रहे। ये फिल्म भी हिट रही जिसने 2.15 सीआर के अगेंस्ट 8 सीआर के ग्रॉस कलेक्शन की। किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। फिर आई सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की साथ में एक और फिल्म हम हैं बेमिसाल। अब उनको गलत मत समझना दोस्त, अब उन तो किस्मत का मारा है। आज अपन खुद तेरे पास चल के आया ताकि तुझे थैंक्स कह सकूं। 1989 में आई एक हांगकांग फिल्म द किलर से इंस्पायर्ड ये फिल्म 2 साल डिले हो गई, जिसने 2.10 सीआर के अगेंस्ट 3.02 सीआर की एवरेज कलेक्शन की। इसके बाद ये 1995 में एक मल्टी स्टारर एक्शन कॉमेडी फिल्म सुरक्षा कुछ खास नहीं चली। अरे बम, ये देख, मौत अपने साथ लेकर घूमता है राजा। ढाई करोड़ में बनी इस फिल्म ने 3 करोड़ 2 लाख की नेट कलेक्शन की। फिर आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म रघुवीर भी कुछ खास नहीं चली। फिर आई सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे की एक ड्रामा फिल्म गद्दार फ्लॉप रही। 1980 में आई अमिताभ सर की दोस्ताना से इंस्पायर्ड इस फिल्म ने 2.75 सीआर के अगेंस्ट 2.70 सीआर की नेट कलेक्शन की। मोहब्बत वो करेगा जो दीवाना होगा। इसके बाद एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म टक्कर में सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे ने फिर से साथ में काम किया। ये 1992 में आई हॉलीवुड फिल्म अनलॉफुल एंट्री का हिंदी रीमेक है। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। और जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तब सुनील शेट्टी को लग रहा था कि ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगी, बट सरप्राइजिंगली कुछ जगहों पे इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और 3 करोड़ 25 लाख में बनी इस फिल्म ने 4 करोड़ 10 लाख की एवरेज कलेक्शन की। जब चाहो तुम्हें देखो, आईना बना लूंगा। ईयर 1996 में आई एक मल्टी स्टारर फिल्म एक था राजा फ्लॉप रही। 3.50 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 2.66 सीआर की नेट कलेक्शन की। ये दिल क्यों धड़कता है, रह रह के मचलता है। इसके बाद एक एक्शन फिल्म विश्वासघात फ्लॉप रही। 2 करोड़ 25 लाख के अगेंस्ट इस फिल्म ने 2 करोड़ 9 लाख की नेट कलेक्शन की। मुझे प्यार, प्यार तुमसे हो गया। फिर आई सुनील शेट्टी और करिश्मा कपूर की एक एक्शन फिल्म कृष्णा। और भाई इस सॉन्ग में तो सुनील शेट्टी सर का स्वैग ही अलग था। मेरी नजर उससे मिली था। ये 1981 में आई जितेंद्र सर और हेमा मालिनी की फिल्म मेरी आवाज सुनो से इंस्पायर्ड थी, जो खुद एक कन्नड़ा फिल्म का रीमेक थी। उसकी छनक गई चुनरी। 6.25 सीआर में बनी ये फिल्म 15.61 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन करके सेमी हिट रही। इसके बाद एक एक्शन फिल्म शस्त्र एवरेज रही। 3.75 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 4.80 सीआर की नेट कलेक्शन की। फिर आई अक्षय, सुनील, करिश्मा और सोनाली बेंद्रे की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म सपूत। दरअसल वो क्या है ना, मैं आप एक ग्लास पानी मिलेगा? श्योर। सुनिए, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपने बुरा तो नहीं माना ना मेरी बात का? लगता है आपकी बात प्लेन को बुरी लगी, लेकिन मुझे अच्छी लगी। तड़प ही ऐसी है ना। मैंने दिल दिया, तेरा दिल दिया, क्या बुरा
एक डिसेंट स्टार कास्ट के बावजूद 6.50 सीआर में बनी इस फिल्म ने 11.74 सीआर के ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद एक सुनील शेट्टी की करिश्मा कपूर और सोनाली बेंद्रे के साथ एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म रक्षक। में आई तमिल फिल्म ऑनेस्ट राज के हिंदी रीमेक ने 5 करोड़ के अगेंस्ट 11 करोड़ 20 लाख के ग्रॉस कलेक्शन की। फिर 1997 में आई ब्लॉकबस्टर इंडो पाक वॉर फिल्म बॉर्डर। बैटल ऑफ लोंगेवाला पे बेस्ड इस फिल्म में एज भैरव सिंह सुनील शेट्टी सर का रोल काफी मेमोरेबल रहा। बट जब ये रोल सुनील शेट्टी सर को ऑफर किया गया था तो उन्होंने पहले इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। देन ये रोल संजय कपूर और अरमान कोहली को भी ऑफर किया गया बट उन दोनों ने भी ये रोल एक्सेप्ट नहीं किया। एंड फाइनली सुनील शेट्टी सर को सेकंड टाइम अप्रोच करने के बाद उन्होंने ये फिल्म साइन कर ली। ये धरती मेरी माँ है सर, और ये कमीना कहता है कि ये पंचर है। इस फिल्म के बारे में और डिटेल्स मैंने सनी देओल सर के एवोल्यूशन वीडियो में बताई है। इस फिल्म ने 10 सीआर के अगेंस्ट 65.57 सीआर की कलेक्शन की। फिर सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी ने पहली बार साथ में काम किया एक मिस्ट्री फिल्म पृथ्वी में। किस एंगल से आपको ये चिंदिया कपड़े नजर आते? मॉडलिंग करनी है तो कीजिए वरना। मुझे ऐसी मॉडलिंग नहीं करनी। तुम्हारी मर्जी, ना ही मैंने तुम्हें इनविटेशन भेजा था और ना ही मुझे अपना टाइम बर्बाद करने का शौक है, समझी? और मुझे भी अपनी जिस्म की नुमाइश करने का कोई शौक नहीं है मिस्टर पैशन फोटोग्राफर। ये लो। A few moments later. 5 सीआर में बनी ये फिल्म 7.68 सीआर के ग्रॉस और 4.36 सीआर के नेट कलेक्शन करके फ्लॉप रही। इसके बाद एक एक्शन फिल्म जज मुजरिम में सुनील शेट्टी सर ने सेकंड टाइम डुअल रोल प्ले किया। इन सजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता। बट ये फिल्म एवरेज रही जिसने 2.25 सीआर के अगेंस्ट 3.58 सीआर की कलेक्शन की। फिर आई एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म भाई। 1994 में आई तेलुगु फिल्म अन्ना के इस हिंदी रीमेक का क्लैश SRK की दिल तो पागल है के साथ हुआ था बट इसके बावजूद ये फिल्म हिट रही। आप बता सकती हैं जो स्कूल बस अभी गई है वो कौन से स्कूल की है? एंटोनियो दि सिल्वा हाई स्कूल। चार करोड़ 8 लाख के अगेंस्ट इस फिल्म ने 13 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर आई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म ढाल। इस फिल्म से रिलेटेड एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी जब फिल्म के प्रोड्यूसर सुरेश ग्रोवर ने सुनील शेट्टी की विस्की की बोतल के साथ एक फोटो लेकर उसे बिना उनकी परमिशन एक विस्की कंपनी को बेच दिया। और जैसे ही ये बात सुनील शेट्टी सर को पता चली तो उन्हें काफी गुस्सा आया क्योंकि वो कभी अल्कोहल को प्रमोट नहीं करना चाहते थे। शराब पीने से कुछ नहीं होता, शराब इंसान को नकारा बना देती है, नकारा। मोर ओवर अन्नू मलिक ने माकरेना से कॉपी करके इस सॉन्ग का माँ का दीना बना दिया। 2.5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 2.70 करोड़ के नेट कलेक्शन की। इसके बाद एक मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म कहर भी एवरेज रही। हट जा कृष्णा, चलाने दे इसे गोली। 4 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने 6.10 करोड़ के नेट कलेक्शन की। फिर 1998 में आई सुनील शेट्टी और रवीना टंडन की एक एक्शन फिल्म विनाशक फ्लॉप रही। सिक्स सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 6.31 सीआर के नेट कलेक्शन की। फिर आई सुनील और शिल्पा शेट्टी की एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म आक्रोश भी फ्लॉप रही। ये लड़की है या खूबसूरत बला, जरा इसके यौवन की देखो कला। 4.75 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 4.93 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर आई सुनील शेट्टी और सैफ अली खान की एक्शन फिल्म हमसे बढ़कर कौन भी फ्लॉप रही। 2.25 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 2.30 सीआर की नेट कलेक्शन की। इसके अलावा उसी साल आई फिल्म सर उठा के जियो में सुनील शेट्टी सर ने गेस्ट अपीयरेंस दिया। दुश्मन को मार के जियो, उन्हें मिटा कर जियो, दुनिया में अगर जीना है तो सर उठा कर जियो। ईयर 1999 में आई सुनील शेट्टी और तबू की साथ में एक ड्रामा फिल्म हुतुतु। पानी पे छीटे उड़ाती हुई लड़की, जिसके राइटर और डायरेक्टर रहे गुलजार साहब। बट ये फिल्म भी फ्लॉप रही जिसने 4.5 करोड़ के अगेंस्ट 5 करोड़ के नेट कलेक्शन की। इसके बाद एक सुनील शेट्टी और प्रिया गिल की एक रोमांस फिल्म बड़े दिल वाला डिजास्टर रही। 1994 में आई हॉलीवुड फिल्म इट कुड हैपन टू यू के इस रीमेक ने 3 सीआर के अगेंस्ट 1.73 सीआर के नेट कलेक्शन की। इसके बाद ये फिल्म काला साम्राज्य भी डिजास्टर रही। 3 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 1.75 सीआर की नेट कलेक्शन की। मोनिका जी, आप इतनी चुप क्यों रहती हैं? आदमी को हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। ईयर 2000 में आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म क्रोध।
ये 1996 में आई एक मलयालम फिल्म हिटलर का हिंदी रीमेक है। मुझे याद है ये फिल्म मैंने अपने पापा के साथ थिएटर में देखी थी जब मैं सिर्फ 6 साल का था। I love you. Hey! परेश रावल की एक ऐसी फिल्म आई जिसने इंडियन सिनेमा में एक लेगेसी क्रिएट कर दी। प्रिया दर्शन की डायरेक्ट की हुई एक कल्ट कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी। देने वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के। आपको गाना नहीं सुना दे रहा? मेरे कुत्ते के टुकड़े टुकड़े करके तेरी पोती को खिला देंगे। बिफोर सुनील शेट्टी ये फिल्म संजय दत्त को ऑफर की गई थी। उन दिनों उन्हें ऑलमोस्ट हर दिन कोर्ट जाना पड़ता था जिस वजह से संजय दत्त फिल्म में शाम का रोल नहीं कर पाए। आप लोगों में से शाम कौन है? मैं हूँ शाम। आप जरा यहाँ आएंगे? आपको मुझसे काम है? हाँ। ये फिल्म इनिशियली ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाई थी बट वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ और 7.5 सीआर के अगेंस्ट 17.8 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म सेमी हिट रही। फिर आई अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की डेब्यू फिल्म रेफ्यूजी में सुनील शेट्टी सर ने काम किया। फौजी का एक हाथ पड़ा ना तो 6 फुट का आदमी 1.5 फुट का होकर रह जाता है। इस फिल्म के बारे में मैं डिटेल में अभिषेक और करीना के एवोल्यूशन वीडियो में बात करूंगा। इसके बाद है राम गोपाल वर्मा की डायरेक्ट की हुई एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म जंगल में उन्होंने फरदीन खान और उर्मिला के साथ काम किया। इस फिल्म को मोस्टली पॉजिटिव रिव्यूज मिले और 4.75 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 14.34 सीआर की कलेक्शन की। फिर आई एक सुपर हिट फिल्म धड़कन में सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार फिर से एक साथ नजर आए। सुनील शेट्टी से पहले इस फिल्म में अरबाज खान को कास्ट किया जाना था बट डिस्ट्रीब्यूटर्स के कहने पर फिल्म में देव के रोल के लिए सुनील शेट्टी सर को चूज किया गया और अपनी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। आप भी ठीक करके देता हूँ, अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। आप भी ठीक करके देता हूँ, ए लौट कर। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ऑलमोस्ट 4 साल डिले होने के बावजूद ये फिल्म सक्सेसफुल रही जिसने 9 करोड़ के अगेंस्ट 26 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद एक एक्शन थ्रिलर फिल्म आगाज फ्लॉप रही। 1998 में आई तेलुगु फिल्म के इस रीमेक ने 6.5 सीआर के अगेंस्ट 5.22 सीआर की कलेक्शन की। फिर साल 2001 में सुनील शेट्टी सर की 6 फिल्में रिलीज हुई जिनमें से एक भी नहीं चली और पहली थी एक कॉमेडी फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी। दिल है तुम्हारा, धड़कन तुम्हारी। 6 सीआर के अगेंस्ट 5.04 सीआर की नेट कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद सुनील शेट्टी और रवीना टंडन की थ्रिलर फिल्म ऑफिसर भी फ्लॉप रही। ये फिल्म पहले 1996 में रिलीज होने वाली थी बट ऑलमोस्ट 5 साल डिले होने के बाद 5.75 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 6.41 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद अक्षय की फिल्म एक रिश्ता में सुनील शेट्टी सर ने गेस्ट अपीयरेंस दिया। खुदाई भी झुकती है मेरे यार के सामने, कोई टिक नहीं सकता मेरे प्यार के सामने। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? इसके बाद ही अर्जुन रामपाल की डेब्यू फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत डिजास्टर रही। 12 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 7.15 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद ही फिल्म इत्तेफाक भी डिजास्टर रही। 4 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने सिर्फ 1.92 सीआर की नेट कलेक्शन की। इसके बाद ही प्रियदर्शन की डायरेक्ट की हुई कॉमेडी फिल्म ये तेरा घर ये मेरा घर फ्लॉप रही। वैसे तो प्रियदर्शन सर की फिल्म अच्छी होती है बट ये वाली मैंने नहीं देखी। अगर आप में से किसी ने देखी है तो बताना कैसी है। झूठ जब नेक काम के लिए कहा जाता है उसे झूठ नहीं कहते? नहीं, मैं सच का ही साथ दूंगा और कैश का भी। 100% उस लड़की ने तेरे को रिश्वत दिया होगा। शंकर, पैसे ही चाहिए थे तो मेरे से लेना था, मैं तुझे ज्यादा देता। शंकर, रिश्वत के नाम से मुझे नफरत है। 1986 की मलयालम फिल्म के इस हिंदी रीमेक ने 6.25 सीआर के अगेंस्ट 6.41 सीआर की नेट कलेक्शन की। इसके बाद एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म एहसास भी डिजास्टर रही। 4.5 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने सिर्फ 1.62 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके अलावा 2001 में आई एक मलयालम कॉमेडी फिल्म में सुनील सर ने कैमियो किया। इसके अलावा आई एक तमिल फिल्म 12B में उन्होंने सपोर्टिंग रोल भी प्ले किया। सरप्राइज कोडकनोंगरतकागता जोएंगे अंगदारका। ईयर 2002 में आई एक एक्शन कॉमेडी फिल्म आवारा पागल दीवाना। अरे छतरी नहीं यार, अरे वो यार जो 4-5 को एक साथ अंदर ले लेती है ना, वो बैगन। ए, एडल्ट बात मत कर, इधर माँ बहन खड़ी है, एडल्ट बात मत कर। लेफ्ट लेफ्ट
लिफ्ट गुरु लिफ्ट। 13 सीआर में बनी इस फिल्म ने 16.02 सीआर की एवरेज कलेक्शन की। इसके बाद एक मल्टी स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी। इस फिल्म के बारे में मैंने डिटेल में अक्षय सर के एवोल्यूशन वीडियो में बात की है। ये विक्टर नहीं है तो और कौन है विजय? ये वो इच्छाधारी नौ क्या जिसने विक्टर का खून किया? एक चीज दिखाओ। वो भी देख के आ रहा हूँ मैं, चलो। फिर आई संजय दत्त और सुनील शेट्टी की साथ में एक एक्शन थ्रिलर फिल्म अनर्थ। इस फिल्म में फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर विनोद कांबली भी नजर आए। ये फिल्म डिजास्टर रही जिसने 6.75 सीआर के अगेंस्ट 3 सीआर की नेट कलेक्शन की। फिर आई सनी देओल, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की साथ में एक एक्शन ड्रामा फिल्म कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रूथ फ्लॉप रही। 11 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने 15.5 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद एक एक्शन ड्रामा फिल्म मसीहा डिजास्टर रही। 4.5 सीआर में बनी इस फिल्म ने 1.92 सीआर की कलेक्शन की। फिर आई एक मल्टी स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म कांटे। 1992 की रिजर्वायर डॉग्स और 1987 की सिटी ऑन फायर से इंस्पायर्ड इस मूवी को क्रिटिक्स से काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले। इनफैक्ट फिल्म का म्यूजिक भी काफी सक्सेसफुल रहा। चूजे, क्या तेरे को किसी ने ये नहीं पता कि हिंदुस्तानियों के सामने हिंदुस्तान को चलाने की बातें नहीं करते। 30 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 43 सीआर की कलेक्शन की। इसके अलावा उसी साल एक गोविंदा सर की कॉमेडी फिल्म चलो इश्क लड़ाई में सुनील शेट्टी सर ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। सो फैंस कीप ऑन ड्रीमिंग, न जाने कब वो आपका सपना सच करते हैं। फिर ईयर 2003 में आई एक मल्टी स्टारर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म बाज फ्लॉप रही। 6.25 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 4.82 सीआर की कलेक्शन की। उस दिन मैं बहुत टेंशन में आ गया था जब न्या ने सबके सामने मुझे कोतवाली में कहा, अरे एल्विज भाई क्या ये कोई बोल। इसके बाद एक एक्शन थ्रिलर फिल्म खंजर बॉक्स ऑफिस पे बॉम्ब कर गई। 5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने सिर्फ 60 लाख की कलेक्शन की। फिर आई एक मल्टी स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म कयामत। सर ये एल लगता है। ऐसा क्या है मुंबई में एल या 7 से टेररिस्ट जिसे उससे जोड़ सके? लेविंगटन रोड, लोखंडवाला, लिंकिंग रोड। लोडू लले, मुझे तुमसे मोहब्बत है। फिल्म के सॉन्ग्स भी काफी सही थे। हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। बट 16 सीआर में बनी ये फिल्म 28.5 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन करके एवरेज रही। फिर आई सनी देओल, सुनील शेट्टी और सेलिना जेटली की एक एक्शन फिल्म खेल फ्लॉप रही। इस फिल्म को सुनील शेट्टी सर ने को प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म में फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर अजय जडेजा भी नजर आए। थर्टीन सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 11 सीआर की कलेक्शन की। फिर आई बॉर्डर फिल्म के डायरेक्टर जेपी दत्ता की एक और हिस्टोरिकल वॉर फिल्म एलओसी करगिल। लेकिन एक बात है साहब जी, जब आप जनरल बनकर 5-स्टार गाड़ी में घूमेंगे तो सड़क पर चलने वाले इस मामूली सिपाही को मत भूलिएगा। 4 hours 15 minutes लंबी इस फिल्म को क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यूज मिले और 33 सीआर के अगेंस्ट 31.6 सीआर की कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही। फिर ईयर 2004 में आई एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म रुद्राक्ष डिजास्टर रही। बचपन में इस फिल्म के विजुअल्स मुझे काफी कूल लगते थे, बट ये वाले नहीं, ये वाले। 12 सीआर में बनी इस फिल्म ने 9.95 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर आई फारा खान की डायरेक्ट की हुई फिल्म मैं हूं ना में सुनील शेट्टी एज विलेन नजर आए। सुनील शेट्टी से पहले राघवन का रोल नसीरुद्दीन शाह, कमल हासन और नाना पाटेकर सर को भी ऑफर किया गया था, बट एट दी एंड जब इस रोल के लिए सुनील शेट्टी सर को कास्ट किया गया तो अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने अपने इस नेगेटिव रोल को फुल्ली जस्टिफाई किया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। कोई आता बताया उसका कोई नंबर वंबर? सब ठीक तो है ना बेटा? राम 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 राम! दिल से बुला रहे हो तो राम मिल ही जाएंगे, इतना चिल्ला क्यों रहे हो राघवन? 15 सीआर के अगेंस्ट 89.7 सीआर की कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। इसके बाद एक मल्टी स्टारर फिल्म लकीर डिजास्टर रही। 16 सीआर में बनी इस फिल्म ने 7.97 सीआर की कलेक्शन की। फिर आई सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की साथ में एक एक्शन फिल्म आन भी डिजास्टर रही। 15 सीआर में बनी इस फिल्म ने 9.27 सीआर की नेट कलेक्शन की। इसके बाद एक मल्टी स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म क्यों हो गया ना एवरेज रही। काजल अग्रवाल की इस डेब्यू फिल्म ने 10 सीआर के अगेंस्ट 16.35 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर आई एक मल्टी स्टारर सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म रक्त डिजास्टर रही। सुनील शेट्टी सर की प्रोड्यूस की इस फिल्म ने 12 सीआर के अगेंस्ट 8.4 सीआर की कलेक्शन की। सभी बच्चे मार खाते हैं ना बैट से बचपन में, ये देखो
इसके बाद ही सुनील शेट्टी और रवीना टंडन की कॉमेडी फिल्म एक से बढ़कर एक भी डिजास्टर रही। 6.5 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने 3.11 करोड़ की कलेक्शन की। फिर आई प्रियदर्शन की डायरेक्ट की हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हलचल हिट रही। लेकिन अगर तेरा इरादा खानदानी दुश्मनी निकालने से, तेरे छाती पे पहला वार मैं ही करूंगा। 1991 में आई मलयालम फिल्म गॉडफादर के इस रीमेक ने 10 CR के अगेंस्ट 32.86 CR की कलेक्शन की। फिर साल 2005 में आई फिल्म पेज 3 में सुनील सर ने गेस्ट अपीयरेंस दिया। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सेलिब्रिटी से ठीक उस वक्त जाकर मिलते हैं जब उनकी फोटोज क्लिक हो रही है। इस तरह उनकी फोटोज भी क्लिक हो जाती। इसके बाद एक कॉमेडी फिल्म पद्मश्री लालू प्रसाद यादव डिजास्टर रही। पद्मा डार्लिंग छोड़ो ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। शट अप लालू, शट अप। फिर आई सुनील शेट्टी, अजय देवगन और प्रियंका चोपड़ा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म ब्लैकमेल भी डिजास्टर रही। 1996 में आई हॉलीवुड फिल्म रैंसम से इंस्पायर्ड इस फिल्म ने 9.5 करोड़ के अगेंस्ट 6.5 करोड़ की कलेक्शन की। मेरी फैमिली और घर से दूर रहना, वरना जान से मार दूंगा तुझे। इसके बाद एक मल्टी स्टारर वॉर फिल्म टैंगो चार्ली भी डिजास्टर रही। 13.5 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने 7.16 करोड़ की नेट कलेक्शन की। इसके अलावा उसी साल आई SRK और रानी मुखर्जी की फैंटेसी फिल्म पहेली में सुनील शेट्टी सर ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। फिर आई एक मल्टी स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म 10। फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग 2005 का मोस्ट प्लेड सॉन्ग बना। ये फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल रही, बट ड्यू टू हाई बजट बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म को अबव एवरेज डिक्लेयर किया गया। इसके बाद आई विवेक अग्निहोत्री की डायरेक्ट की हुई एक मल्टी स्टारर क्राइम थ्रिलर फिल्म चॉकलेट फ्लॉप रही। फिर आई प्रियदर्शन की डायरेक्ट की हुई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म क्योंकि में सुनील सर ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। आज मुझे यकीन हो गया कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हो सकते हैं, वरना तो मेरे साथ इतनी फ्रैंक नहीं हो सकती। एनीवेज बेस्ट विशेस। फिर आई एक मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म दीवाने हुए पागल फ्लॉप रही। पॉजिटिव क्रिटिकल रिस्पॉन्स के बावजूद 20 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने 26.5 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। उसके बाजू में जो वो सब पूरी कांच वाली बिल्डिंग है ना, वो कांच का बिल्डिंग ओबरॉय बिल्डर्स ने बनाया। अरे नताशा, वो फ्रॉड है, वो कोई आर्किटेक्ट नहीं है। ये कमीना टांग अड़ा रहा है। लेकिन भाई वो तो लंगड़ा है ना। हाँ, लंगड़ा है वो। फिर ईयर 2006 में आई एक मल्टी स्टारर फिल्म फाइट क्लब फ्लॉप रही। 8.25 CR के अगेंस्ट इस फिल्म ने 8.90 CR की ग्रॉस कलेक्शन की। जिंदगी हर एक को दूसरा मौका नहीं देती, तुम सबको मिला है एक द मोस्ट फेट। इसके बाद एक मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म शादी से पहले भी फ्लॉप रही। अब तू कौन है बे? अब अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। 11 CR के अगेंस्ट इस फिल्म ने 16.8 CR की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद ही राम गोपाल वर्मा की हॉरर फिल्म डरना जरूरी है के एक स्टोरी सेगमेंट में सुनील शेट्टी सर नजर आए। सर, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी आप जिंदा है, कल नहीं भी हो सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप, ये क्या बोल रहे हैं? फिर आई प्रियदर्शन सर की डायरेक्ट की हुई कॉमेडी फिल्म छुप छुप के। जब मेरी बहन ने कहा तुझे चाहती है, तब मैं तरस गया था तेरी मुंह से भैया लफ्ज सुनने के लिए, लेकिन आज मैं यही लफ्ज एकदम के पास के मुंह से सुन रहा हूँ। क्यों किया तूने ऐसा? मलयालम फिल्म पंजाबी हाउस के इस रीमेक ने 12 करोड़ के अगेंस्ट 25.5 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद एक सुपर हिट फिल्म फिर हेरा फेरी। तेरे को बोला ना डिकी में से पैसा निकाल के अंदर रख। ए चुब्बे, ये आपको चुब्बे बोला? मेरे बाप समान है वो। आपका नाम भी अनुराधा है? आपका नाम भी अनुराधा है? मेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है? चुप कर तेरी अनुराधा। 18 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 70 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म आपकी खातिर डिजास्टर रही। इसके बाद एक JP दत्ता की डायरेक्ट की हुई एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म उमराव जान भी डिजास्टर रही। 23 CR के अगेंस्ट इस फिल्म ने 19.53 CR की ग्रॉस कलेक्शन की। खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत कीजिए, आप हमें मार दीजिए। फिर एक मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म अपना सपना मनी मनी। तलाशी लेनी है। लो। ए भाई, चल मेरे साथ, डबल सीट आता है क्या? ये चले। 9.5 करोड़ में बनी ये फिल्म 20.70 करोड़ की कलेक्शन करके सेमी हिट रही। हाँ, चलो चलो चलो। फूल सगिस्कान, तू मेरा साला पीसा की। ये नेपाली भी बोलते हैं। तू साला मेरा पीछा किया ना, तो गोली नहीं पूरी बंदूक मार दूंगा। फिर ईयर 2007 में आई एक मल्टी स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला। 1991 में हुए लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स शूट आउट पे बेस्ड इस फिल्म की शूटिंग रियल लोकेशन पे हुई थी। रूम नंबर 105। फिर ऐसा बोलना,
इस फिल्म के बारे में और डिटेल में मैं विवेक ओबेरॉय सर के एवोल्यूशन वीडियो में बात करूंगा। 18 सीआर में बनी ये फिल्म 46.04 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन करके सेमी हिट रही। इसके बाद एक हाइस्ट फिल्म कैश फ्लॉप रही। 32 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 29 सीआर की कलेक्शन की। अब सिर्फ तू है मेरे और हीरो के बीच। फिर आई SRK की ओम शांति ओम में सुनील शेट्टी सर ने गेस्ट अपीयरेंस दिया। इसके बाद एक मल्टी स्टारर एंथोलॉजी फिल्म 10 कहानियां डिजास्टर रही। 21 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 7.78 सीआर की नेट कलेक्शन की। क्या हो गया तेरे को बाबा, जब से भाभी के पैर भारी हुए हैं तेरा ये हाथ भी भारी हो गया। इसके अलावा उसी साल आई अक्षय और कैटरीना की कॉमेडी फिल्म वेलकम में सुनील शेट्टी सर ने गेस्ट अपीयरेंस दिया। अरे स्क्रिप्ट तैयार है भाई। कहां है स्क्रिप्ट? यहां है। अच्छा सुनील शेट्टी साहब, उदय शेट्टी, शेट्टी शेट्टी। मोर ओवर 2007 में आई एक इंग्लिश फिल्म डोंट स्टॉप ड्रीमिंग में भी उन्होंने काम किया। Why do I get the feeling that every time I come here I'm going to lose money? What should I expect if I tell you guys I have signed you guys up for the competition? इस फिल्म को शमी कपूर सर के बेटे आदित्य राज कपूर ने डायरेक्ट किया था। और अगर किसी को टॉर्चर करना हो तो ये फिल्म दिखा देना। फिर साल 2008 में आई एक कॉमेडी फिल्म 1-2-3। इस फिल्म में अगर तुषार कपूर की जगह अक्षय कुमार होते तो ये हेरा फेरी ट्रायो कास्ट की एक और फिल्म होती। 14 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 27 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन की। ये कार मुझे किसी भी हालत में चाहिए, मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट करना चाहता हूँ। सर लेकिन कौन सी वाली वाइफ सर, बांद्रा वाली या वर्ली वाली सर? क्या मदर, मैं सब ऑफिस की गाड़ी में तेरी में घुसाऊंगा। इसके बाद एक सुनील शेट्टी और अरशद वारसी की फिल्म मिस्टर ब्लैक मिस्टर व्हाइट डिजास्टर रही। 11 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने 4 करोड़ की कलेक्शन की। गोभी भैया, अरे मुंह क्यों घुमा के बैठो यार, नंगा खड़ा हूं क्या? आप ही ने तो कसम दिलवाई थी, टिकट नहीं तो शक्ल नहीं। अरे वो तो मैं ऐसे फेंक रहा था यार। इसके अलावा उसी साल एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मिशन इस्तांबुल को प्रोड्यूस करने के साथ साथ सुनील शेट्टी सर ने स्पेशल अपीयरेंस भी दिया। फुटबॉल मैच के बारे में पता नहीं लेकिन अब्बू नजीर के आदमी वहाँ मिलने वाले हैं। इसके बाद एक स्पाई थ्रिलर फिल्म मुखबिर भी डिजास्टर रही। बट फिल्म में KK सर का ये सॉन्ग क्रिमिनली अंडररेटेड है। इसके अलावा 2008 में आई एक टर्किश फिल्म मिराज में भी सुनील शेट्टी सर ने काम किया। I'm so worried about my father. I understand. But don't worry, these times will pass too. You've been such a good friend. So much more than a bodyguard to me. Thank you. ईयर 2009 में आई एक मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म डैडी कूल डेथ एट ए फ्यूनरल के इस रीमेक ने 13 करोड़ के अगेंस्ट 5 करोड़ की कलेक्शन की। ट्रेडमिल पे जॉगिंग कर रहे थे। स्पीड क्या थी? स्पीड क्या थी? इससे पहले दोबारा कोई पूछे स्पीड वॉज 10.5 किलोमीटर। फिर आई प्रिया दर्शन की डायरेक्ट की हुई कॉमेडी फिल्म दे दनादन। ये एज ए ट्रायो अक्षय सुनील और परेश सर के साथ में लास्ट फिल्म थी। हॉलीवुड फिल्म क्रूड से पार्शली इंस्पायर्ड इस फिल्म ने 45 सीआर के अगेंस्ट 82 सीआर की मॉडरेट कलेक्शन की। फिर साल 2010 में आई एक ड्रामा फिल्म तुम मिलो तो सही 12 करोड़ के अगेंस्ट 2 करोड़ 86 लाख की कलेक्शन करके डिजास्टर रही। इसके बाद एक क्राइम ड्रामा फिल्म रेड अलर्ट भी डिजास्टर रही। ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड इस फिल्म ने 10 सीआर के अगेंस्ट सिर्फ 1.93 सीआर की कलेक्शन की। इसके बाद एक फिल्म बारूद भी डिजास्टर रही। 4 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने सिर्फ 40 लाख की कलेक्शन की। फिर आई एक मल्टी स्टारर एक्शन कॉमेडी फिल्म नो प्रॉब्लम। इस फिल्म को क्रिटिक्स से मोस्टली नेगेटिव रिव्यूज मिले और 35 सीआर के अगेंस्ट 48.7 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही। अरे वो तो क्वीन है क्वीन, अपने लिए उसकी आंखों में प्यार देखा है मैंने। यॉट पे ना चोरी छुपे इशारे कर रही थी मुझे। ओहो, अरे फिर तो भाभी हो गई ना अपनी। मैंने कुछ नहीं किया। फिर साल 2011 में आई एक मल्टी स्टार रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थैंक यू नो एंट्री जैसे सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इस फिल्म ने 47 सीआर के अगेंस्ट 72 सीआर के मॉडरेट कलेक्शन की। एक फोन तो करके आना चाहिए था। उससे क्या होता, कपड़े तो पहन लेता ना मैं। इसके बाद सुनील शेट्टी और गोविंदा सर ने साथ में काम किया एक क्राइम कॉमेडी फिल्म लूट में। ये गन तुम इंडिया से अपने बैग में डालकर लाया क्या? नहीं मैं, ये गन मैं इंडिया से तेरे बैग में डालकर लाया। हाँ? कोली कोली 2003 में आई क्राइम स्प्री से लूजली इंस्पायर्ड ये फिल्म 15 सीआर के अगेंस्ट 4.41 सीआर की कलेक्शन करके डिजास्टर रही। फिर साल 2012 में आई फिल्म मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है भी डिजास्टर रही। 5 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने सिर्फ 25 लाख की कलेक्शन की। इसके अलावा उसी साल एक एनिमेटेड फिल्म दिल्ली सफारी में सुनील सर ने वॉइस ओवर दिया। मेरी यूवी को एक दिन में रैम्बो बनाने का इरादा है क्या? अरे इसे सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था। I'm making him a man. फिर साल 2013 में आई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म एनमी भी डिजास्टर रही। पुलिस वालों को देखकर लोग हमेशा ये क्यों पूछते हैं? क्या चाहिए? 12 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने सिर्फ 2.28 सीआर की कलेक्शन की। इसके अलावा 2013 में आई एक मलयालम फिल्म में भी उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया। अपने तो पीना छोड़।
ईयर 2014 में आई सलमान खान सर की फिल्म जय हो में सुनील शेट्टी सर ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। इसके बाद सुनील शेट्टी और विनोद खन्ना सर की फिल्म कोयलांचल भी डिजास्टर रही। यही मिस्टेक्स की वजह से पढ़े लिखे लोग यहाँ रुकते नहीं। लॉ एंड ऑर्डर को अपने घर का कुत्ता समझने की मिस्टेक। इसके बाद एक एक्शन ड्रामा फिल्म देसी टट्टे कट्टे भी डिजास्टर रही। यह दुनिया की सबसे बेहतरीन पिस्टल सर, आगे के सफर में तुम्हारे काम आए। फिर साल 2015 में आई फिल्म दो चेहरे भी डिजास्टर रही। 2 करोड़ में बनी इस फिल्म ने सिर्फ 3,22,000 की कलेक्शन की। ईयर 2017 में आई एक एक्शन कॉमेडी फिल्म अ जेंटलमैन फ्लॉप रही। 70 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 38.3 सीआर की कलेक्शन की। इसके अलावा 2018 में आई एक मराठी फिल्म में भी उन्होंने कैमियो किया। ये बच्चे अमानत है, उन्हें संभालना। रूसी साल एक कन्नड़ा फिल्म में भी सुनील शेट्टी सर नजर आए। उसे नेशनल खेलने के लिए एक मौका मिल जाए बस, पुलिस स्टेशन और लड़ाई झगड़े से दूर रहना। मोर ओवर 2020 में आई रजनीकांत सर की तमिल फिल्म दरबार में भी सुनील शेट्टी सर ने काम किया। तेरे लिए एक गिफ्ट लाया। कम 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 कम। गिफ्ट कितना खूबसूरत है यार, इसको जैसे ही दबा कर खोलेगा ना, छाता जैसा अंदर खोल के सब कुछ बाहर निकालने के बाद ही बंद होगा। जर्मन मेड ब्यूटीफुल। नहीं, नहीं भाई, नहीं। फिर साल 2021 में आई क्राइम एक्शन फिल्म मुंबई सागा में सुनील सर ने कैमियो किया। तुझे गाय तोंडे को तोड़ना है तो उसको वहां मार, जहां उसको दर्द हो। कैसे? तू अपना खुद का इलाका बना, उसे अपने इलाके से निकाल के। इसके बाद एक तेलुगु फिल्म में भी सुनील सर नजर आए। 24 घंटे ना तल मीद कूर्चोक पोते ये सिटी लो क्राइम में लेकुंडा चेसेवाणी। मोर ओवर 2021 में ही रिलीज हुई प्रियदर्शन की डायरेक्ट की हुई एक मलयालम एपिक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म में भी सुनील शेट्टी सर ने काम किया। फिर 2022 में रिलीज हुई एक तेलुगु स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में सुनील शेट्टी सर ने काम किया। भूमिल നിന്ന് 3 അടി ഉയരത്തില് 16x20 ബോക്സിംഗ് റിംഗിനുള്ളിൽ ഇഞ്ചുകളുടെ അകലത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്। इसके अलावा 2022 में ही MX Player पे सुनील शेट्टी और विवेक ओबेरॉय की एक क्राइम ड्रामा सीरीज धारावी बैंक रिलीज हुई। धारावी का एक एक घर सलाइवा का फैमिली का हिस्सा है। एंड अभी रिसेंटली 2023 में Z5 पे प्रीमियर हुई उनकी एक क्राइम एक्शन फिल्म ऑपरेशन फ्राइडे। इसके अलावा इसी साल आई Amazon Mini TV पे उनकी एक वेब सीरीज हंटर। तुम बिना कोई सवाल बिना कोई शर्त किसी को भी ढूंढ कर देते हो। गलत, मैं सिर्फ उन्हें ढूंढता हूँ जिनके लिए मुझे पैसे मिलते हैं। 4 पैग विस्की 5 लाख का नुकसान, एक बर्बाद जिंदगी। एंड अगर सुनील शेट्टी सर की अपकमिंग फिल्म्स की बात करूं तो बहुत जल्द अक्षय सुनील और परेश रावल सर का ट्रायो हमें फिर से देखने को मिलेगा वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी 3 में। मोर ओवर अभी रिसेंटली 9 सितंबर को वेलकम 3 AKA वेलकम टू द जंगल फिल्म का प्रोमो भी रिलीज हुआ, जो ऑनेस्टली वेलकम फ्रेंचाइजी के फैंस के लिए एक सरप्राइज था। ये फिल्म होपफुली 20 दिसंबर 2024 को रिलीज होगी। लेके आया यार दोनों को पिक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना जिससे इस वीडियो की रीच बढ़ेगी। और अगर मेरा काम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम जल्दी ग्रो कर पाएं। अजय सर का एवोल्यूशन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और अक्षय सर के लिए राइट वाली। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।